हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। आज हम बनाएंगे सब्जियों से भरे हुए हेल्दी एंड टेस्टी छत्तीसगढ़ के फेमस वेज फरा। तो चलिए फिर देखते हैं इस लाजवाब सी रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने लिया है ये चावल का आटा, ये वेट में है लगभग 150 ग्राम। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां। ये एक कटोरी मैंने ली है बारीक चॉप फूल गोभी और एक ही कटोरी मैंने ली है गाजर। सारी सब्जियों को मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है, और आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। चाहे फूल गोभी हो चाहे गाजर हो, ये ग्रेटर से भी आराम से ग्रेट हो जाएगी। और मैंने आधी कटोरी ही हरे मटर लिए हैं, ताजे मटर, और इसे भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया है। और ये 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया है, इसे आप बारीक काट सकते हैं। और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, और 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी मैंने 1 इंच लगभग अदरक के टुकड़े को और 3 हरी मिर्च को डालकर खल में इसे मैंने कूट लिया है। और 1 टीस्पून जितना हम डाल रहे हैं नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1/4 टीस्पून से भी कम मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा, या बेकिंग सोडा भी जिसे कहते हैं। इससे हमारे फरे जो हैं बहुत ही फ्लफी अंदर से तैयार होंगे। और अब इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सब्जियों के साथ ही आप इसे बहुत अच्छे से मैश कर लें, नहीं तो बाद में हमारा आटा गीला हो सकता है। अगर हम इस तरह से पहले सब्जियों के साथ आटे को बिल्कुल बढ़िया से मैश कर देंगे, तो जो सब्जियों का पानी होगा वो अच्छे से आटे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बाद में हमारा डो जो है वो गीला बिल्कुल भी नहीं होएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देखेंगे बिल्कुल बढ़िया स्मूथ सा डो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें अपने फरों को जो है वो स्टीम करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक छलनी। और अगर आपके पास स्टीमर है तो और भी अच्छा है, पर इस तरह की छलनी में भी आराम से स्टीम हो जाता है। तो इसके लिए हम पहले इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे फरे जो हैं वो बिल्कुल भी चिपके ना। अब हम अपना डो लेंगे और हाथों को हम कर लेंगे बहुत अच्छे से ग्रीस। और हम बिल्कुल छोटी छोटी सी लोई लेंगे, जैसे पूड़ी की होती है उससे भी थोड़ी सी छोटी ही लेंगे। और इस तरह से हम इसे फिंगर टाइप में इसके हम पतले पतले इस तरह से रोल बना लेंगे, पतले और थोड़े से लंबे, या जिस भी साइज के आपको पसंद हो। सब इस तरह से हम बनाते जाएंगे और हम अपनी ग्रीस की हुई छलनी में रखते जाएंगे। बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा डो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, ना बिल्कुल गीला है और ना ही ये ड्राई है। मैं सारे इस तरह से बना लूंगी, फिर आपको स्टीम करके दिखाऊंगी। ये सारे फरे हमारे एकदम बढ़िया से तैयार हो गए, आप देख रहे हैं बिल्कुल सब्जियों से भरे हुए। चलिए अब इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने गैस पर रखी है कढ़ाई, और उसके अंदर मैंने एक रिंग भी डाला है। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप कटोरी को उल्टी करके भी रख सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है लगभग 1.5 गिलास पानी। अब इसमें हम बिल्कुल अच्छे से बॉयल आने देंगे। पानी में बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम अपनी छलनी को इसके अंदर रख देंगे और इसे ढक कर हम स्टीम करेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं और फरे भी हमारे बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गए हैं। आप देखेंगे कि ये थोड़े थोड़े से फूल भी गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। फरे हमारे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं, और आप चाहें तो इसे बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं, बिल्कुल सब्जियों से भरे हुए, और ये बहुत ही टेस्टी हैं। पर इसे और अच्छे स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे हल्का सा एक तड़का। तड़के के लिए मैंने रखा है गैस पर एक ऐसे बड़ा सा फ्राइंग पैन। अगर हमारे ऐसे थोड़ा सा चौड़ा फ्राइंग पैन होगा तो उसमें हम अच्छे से उसे फ्राई कर पाएंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूंगा 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1/2 टीस्पून ही जीरा, और 1/2 टीस्पून ये व्हाइट तिल है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। कुछ सेकेंड्स के लिए हम अपने तड़के को भूनेंगे और गैस को हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे, ताकि हमारे तिल जो है वो जले ना। तड़का हमारा हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च। गैस को एकदम कम रखें
और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे भी हम बहुत अच्छे से मिला देंगे। और इसमें हम डाल देंगे अपने ये सारे फरे और मीडियम आंच पर इसको आराम से अलट पलट कर हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्प लेयर आने तक, मतलब कि आप इसे थोड़ा सा भून लें मीडियम गैस में ताकि ये ऊपर से थोड़े से क्रिस्प हो जाए। फरे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बढ़िया सी इस तरह से कोटिंग आ गई है। तो ये इस तरह से अगर ऊपर से क्रिस्प हो जाते हैं तो ये खाने में जो है वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, बहुत ही अच्छा खट्टा सा टेस्ट आने के लिए नींबू आप जरूर डालें, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है। और फिर बस कुछ सेकेंड्स के लिए हम और चलाएंगे इसे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फरे तैयार हैं और इसे एकदम गर्मा गर्म सर्व करें। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं अंदर से कि ये आप देखेंगे कि ये आपके फ्राई करते करते और सर्व करते करते भी थोड़े से टूटने लग जाते हैं। और वाकई में ये खाने में इतने लाजवाब होते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। एक तो ये पूरे सब्जियों से भरे हुए हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। हमारे गर्मा गर्म वेज फरा, आप मनपसंद इसमें और भी बहुत सब्जियां डाल सकते हैं पर ये बनते इतने लाजवाब हैं कि आप हमेशा इसे बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक बार फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।